गलत है। इंडिया अलायंस फेल नहीं हुई, कुछ हद तक कांग्रेस नाकामयाब रही। ये इलेक्शन किन वजूहात के बुनियाद पे वो कांग्रेस बेहतर जानती है, लेकिन ये इलेक्शन अलायंस के तौर पे नहीं लड़े गए। अलहदा पार्टियों ने ये इलेक्शन जो है लड़े, इसमें कांग्रेस के भी उम्मीदवार थे, समाजवादी पार्टी के भी थे, आम आदमी पार्टी के भी थे, और भी ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने इलेक्शन में अपने उम्मीदवार उतारे। तो मैं इसको इंडिया अलायंस की नाकामयाबी या इंडिया अलायंस का हार नहीं समझता हूं, क्योंकि अलायंस के तौर पे हमने लड़ा नहीं। अब आगे जाके इंडिया अलायंस को जो थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है इस वजह से, जो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हुई, उसको किस तरह दुरुस्त किया जाएगा वो आगे जाके देखना पड़ेगा। उमर, बम्पर यस्टरडे सेड दैट शी हैजंट रिसीव्ड एनी इनवाइट फ्रॉम इंडिया अलायंस एंड दैट शी विल गो ऑन अबाउट द रेगुलर प्रोग्राम। डू यू थिंक जनरल प्रियम और मुल्ला जी, आई कांट स्पीक फॉर वेदर ममता जी हैज गॉट एन इनविटेशन और नॉट। आई कैन ओनली स्पीक फॉर द नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड द नेशनल कॉन्फ्रेंस रिसीव्ड एन इनविटेशन फॉर डिनर at the residence of the Congress president for tomorrow. Now if this meeting takes place, certainly we will attend. If for some reason it's postponed, then we'll see what happens going ahead. But afsos hua, ye hamare Kulgam ke hi log the, aur Shimla mein ek hadse mein unki maut ho gayi. Allah taala unko jannat naseeb kare, और हुकूमत से गुजारिश की जाती है कि दोनों हिमाचल प्रदेश की हुकूमत और जम्मू कश्मीर की हुकूमत दोनों को इनको माली तौर जो है इनके लवाइकीन जो है उनको मदद। द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर विल बी आल्सो फ्रॉम बीजेपी। चीफ मिनिस्टर तब बनता है जब इलेक्शन होते हैं, बिना इलेक्शन किए कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बनता। जब बीजेपी इलेक्शन करने की मतलब मूड में ही नहीं, जब उनको इलेक्शन करने की हिम्मत नहीं है, जब वो जानते हैं कि लोगों के सामने उनको भारी मतलब हार का सामना करना पड़ेगा। अरे आप असेंबली छोड़िए, पंचायत के इलेक्शन करने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। 5 जनवरी को आपकी पंचायतें खत्म होंगी, आपके म्यूनसिपैलिटीज एक एक करके खत्म हो गए, म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन हो नहीं रहे, असेंबली का ये कहाँ से दावा कर रहे हैं। रही बात नंबरों की, अपने तरफ से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज भी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस किया है जिसमें 3 सीटों पर रिजर्वेशन और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनको नॉमिनेट करेंगे। इससे पहले भी नॉमिनेशन से सीट भरी गई हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन वो इलेक्शन के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट ने उनको नॉमिनेट करने का काम किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को नॉमिनेशन का इख्तियार देना, ये इस बात का सबूत है कि बीजेपी वाले जानते हैं उनको नंबर मिलेंगे नहीं, तो नॉमिनेशन के जरिए वो थोड़ा बहुत अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कैन वी एक्सपेक्ट इलेक्शंस हियर इफ द सिचुएशन इज नॉर्मल? एक्सपेक्ट तो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, आप एक्सपेक्ट करिए, हम भी एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन हमारे एक्सपेक्ट करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी वाले जो हैं वो लोगों का सामना करने के लिए तैयार नहीं। वन लास्ट वन लास्ट, इज इट ट्रू दैट व्हेन बीजेपी विंस द कांग्रेस सेज दे आर गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट बिकॉज़ दे आर नॉट सैटिस्फाइड अबाउट दिस रिजल्ट? हु इज नॉट सैटिस्फाइड? कांग्रेस। इलेक्शंस आर लाइक दैट, यू विन सम यू लूज सम। You can't only be satisfied with elections that you win. You must also be ready to accept defeat. Now, if the Congress has lost, unfortunately, in Chhattisgarh, in Madhya Pradesh, in Rajasthan, instead of going to the Supreme Court, they need to analyze the reasons, because some people saw the writing on the wall earlier. I will share with you, I have a member parliament BJP friend who 2 months ago told me that BJP is winning in Chhattisgarh. Main us waqt hansa. मैं सोचा ना आप ये क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ बीजेपी को देने के लिए कोई तैयार नहीं था। लेकिन 2 महीने पहले मेरे एक सांसद बीजेपी के दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में वो जीतने वाले हैं, तो अगर उनको पता था तो कांग्रेस को क्यों नहीं? थैंक यू। अब सुप्रीम कोर्ट छोड़िए, पार्लियामेंट के इलेक्शन की तैयारी करिए। थैंक यू वेरी मच।